अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने दे रहे हैं, खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में हैं, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशन को देखेगी? उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी, कि जो उनके दल में चला जाता है न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, न केवल प्रदेश है बल्कि भारतीय जनता पार्टी को दो दो बार सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाने का मौका दिया। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी को न केवल दिल्ली की सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो जारी किया था, उसका जवाब देना है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो बार जनता को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, इसलिए आज जनता को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी यहां बैठी है, हमारी पार्टी का नेतृत्व यहां बैठा है, उससे सबने मिलकर के यही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, जो गठबंधन दल है, उनसे मिलकर के 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और अन्याय भी चरम सीमा पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कह सकता हूं, दिल्ली और यूपी की सरकार होने के बाद दो तीन चार महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट्स हैं, उदाहरण के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, अभी बजट पास हुआ 30% पैसा खर्च किया, जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें 40% केवल खर्च कर पाए, अभी बिजली विभाग का सबसे बड़ा संकट पैदा कर दिया। ये बीजेपी के लोग कमाल के लोग हैं, जब इन्हें वोट चाहिए होता है तो ये जनता में वादे करते हैं, कर्मचारियों को वादा किया था इन्होंने। ये जितने भी कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन आंदोलन में है, इन सब से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि आपकी सब मांगे मानी जाएंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद वो मांगे नहीं मांग रहे हैं। और जब मांगे नहीं मांग रहे हैं तो अंतर्गतवा पूरा उत्तर प्रदेश में बिजली संकट पैदा है, बिजली नहीं है। क्या पुलिस पावर प्लांट चलाएगी? क्या पुलिस सब स्टेशन को देखेगी? क्या पुलिस डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी? पुलिस जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक कर पा रही है वो बिजली कैसे ठीक करेगी? तो उत्तर प्रदेश ने जिसने प्रधानमंत्री दिया है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। और जो दल उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। इसलिए सभी लोगों ने मिलकर के संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटें हराई जाएंगी, कि जो उनके दल में चला जाता है न उसके ऊपर ईडी आती है, न कोई सीबीआई आती है, न कोई इनकम टैक्स आता है। भारतीय जनता पार्टी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं फेक इनकाउंटर्स के। और केवल ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, वहीं ये आंकड़े भी आप देखें कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, अगर कहीं आंकड़े बढ़े हैं तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को दिए हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को दिए हैं। और जितने भी ये फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, इनकी जब कभी भी जांच आएगी तो बहुत सारे अधिकारी कटघरे में खड़े दिखाई देंगे। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी का
2014 का नारा था अच्छे दिन, और फिर बीजेपी के लोग ये नारा दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास तभी शामिल होगा जब जाति जनगणना होगी, और इसके लिए मैं समझता हूं देश के बहुत सारे दल दक्षिण भारत से लेकर के और एक कोने से दूसरे कोने तक लोग उसके पक्ष में हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्ष में है। बिना उसके सामाजिक न्याय संभव नहीं है, और जितना भी प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए अधिकारों का हनन होगा। ये अधिकार छीने जा रहे हैं, और अधिकारों की लड़ाई पूरे देश में लोग चाहते हैं। याद कीजिए आप ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के, हालांकि यहां परिस्थितियां अलग है बंगाल में, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ओल्ड पेंशन का सवाल खड़ा हुआ राजस्थान ने उसको स्वीकार कर लिया, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, बहुत सारे प्रदेश उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो किसी को काम नहीं करने दे रहे, खुद तो काम कर ही नहीं रहे हैं, किसी को काम नहीं करने दे रहे।